हेलो। कोई गलती हो गई है मुझसे? हाँ, आपने आज तक कुछ सही किया? आपसे मोहब्बत और आपके प्रपोजल पे फौरन हाँ। वैसे बड़े ही सेल्फिश होते हैं हम मर्द लोग। मतलब इस दुनिया में कितनी लड़की होंगे ना जो हर मिनट लड़की को प्रपोज करते होंगे, लेकिन जहाँ लड़की ने प्रपोज कर दिया वहां कायनात ही थम गई। मतलब दुनिया में भौचाल ही आ गया ना। दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी बदल चुकी है। इसलिए पूरी जिंदगी मेरे प्रपोज करने का ताना देंगे ना? बाय गॉड, मैंने ताना नहीं दिया है। आपको तो अंदाजा ही नहीं है, एक आम इंसान को जमीन से उठा के आपने आसमान पर पहुंचा दिया। टेंशन मत ले, जमीन पे ले आएंगे मेरी चचीज आपको। यही बात तो पूछना आया हूं मैं। चाचीज एक दो दिन में मिलना चाहती हैं आपसे, फिर ही कोई फाइनल डिसीजन होगा। और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? तो फिर वेट कीजिएगा, शायद फिर से कोई मेरी जैसी सरफरी लड़की आपको प्रपोज कर दे, क्योंकि आप में तो गट्स नहीं है। गट्स बहुत है, लेकिन मैं एक जेंटलमैन हूँ। तो फिर हाथ हटा ले जेंटलमैन, घर से बाहर कोई आ गया ना तो लग पता जाएगा आपको। सॉरी, मैंने तो आपको रोकने के लिए रखा था। अगर इस वक्त हम पकड़े गए ना तो इस दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को बचा नहीं सकेगी, इसलिए आप घर जाए, मनु अकेली हो। मनु के साथ हेल्पर है। I'm sorry, मैंने आपको तंग किया। मैं इतनी आसानी से तंग आने वाली हूँ नहीं वैसे, तो इसलिए आप घर जाए, रिलैक्स करें, जब चाचीज बुलाएंगी तो आ जाइएगा। ओके, टेक केयर, बाय। आप जा क्यों नहीं रहे? आप अंदर चली जाएं, रात का वक्त है, मैं आपको ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता ना। ओके, बाय बाय। मुझे समझ आ गई है तारा, तुम भी डॉक्टर राजिया की तरह ही, उन्हीं की तरह जिद्दी हो। तुम वही करोगी मेरे साथ जो उन्होंने अपने शौहर के साथ किया था। तुम टूट जाओगी लेकिन झुकोगी नहीं। तुम्हें ये कैसे भूल गया सारे? मैं अगर मामा की तरह होती तो तुम्हारे खानदान के साथ जुड़ने के बजाय अपना एक अलग सिस्टम बनाने पर जोर देती। मेरा कसूर मेरी वो महरूमियां हैं जो मैं तुम्हारे रिश्तों से दूर करना चाहती थी, और यही मेरे लिए तुमने सजा बना दी।